तो गुल्ली और बुल्ली भी उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। तो बुल्ली उस लाइब्रेरियन से कहता है, भाई साहब आपकी लाइब्रेरी तो बहुत शानदार है, अच्छा कोई ऐसी किताब है आपके पास जो काफ़ी डरावनी है और नई नई आई हो मार्केट में, क्योंकि मुझे हॉरर कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो क्या आप मुझे ऐसी कोई किताब बता सकते हैं जिसे पढ़ने के बाद वो किताब मुझे जिंदगी भर याद रहे। तो वो लाइब्रेरियन उसी कमरे की ओर इशारा कर देता है। फिर बुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली भाई अब तो तुम अपनी पसंद की किताब ढूंढो, मुझे तो मेरी पसंद की किताब मिल गई और मैं तो जा रहा हूँ। और इतना कह के बुल्ली उस कमरे की ओर चलने लगता है। लेकिन गुल्ली भी चुपके चुपके बुल्ली के पीछे चल देता है और दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। जब बुल्ली उस किताब की ओर देखता है तो गुल्ली से कहता है, यार किताब तो बड़ी डरावनी लग रही है, अब तो इसे पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन तुम इस किताब को मत पढ़ना, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। फिर गुल्ली कहता है, भाई इतना भी डरपोक मत समझ मुझे, 5-5 गिलास दूध पीता हूँ मैं और अच्छे अच्छे लोग मुझसे डरते हैं, मैं इस किताब से क्या डरूंगा। फिर बुल्ली उस किताब को पढ़ने के लिए हाथ में उठा लेता है कि तभी फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई ये किताब तो पाद मारती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि पाद वो किताब नहीं गुल्ली मार रहा था। फिर बुल्ली गुल्ली को एक टपली मारता है और उसे बोलता है, तुमने तो इस किताब को पढ़ने से पहले ही गुड़ गोबर कर दिया और इतनी बुरी बुरी बदबू मार के मेरा दिमाग भी खराब कर दिया, अब मैं इस किताब को आज नहीं कल पढ़ूंगा। और बुल्ली उस किताब को वहीं पे फेंक के बाहर निकल जाता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये नहीं पता कि उन्होंने इस किताब को फेंक के बहुत बड़ी गलती की है और इस किताब का अपमान किया है और इस किताब को अपमानित करने की सजा इन दोनों को मिलेगी। फिर शाम को जब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो जाता है तब वो लाइब्रेरियन सारी लाइब्रेरी में चेक करता है कि सभी चीज़ें सही जगह पे हैं या नहीं, और साथ ही साथ वो उस कमरे में भी झांक के चेक करता है कि सारी किताबें सही जगह पे रखी है या नहीं। कमरे में चारों ओर देखने के बाद वो लाइब्रेरी बंद करने के लिए जाने लगता है कि तभी उस भूतिया किताब में से एक खूनी शैतान का जन्म होता है। ये शैतान देखने में बहुत ज़्यादा डरावना सा है और इसके नाखून भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। फिर वो शैतान उस कमरे में से बाहर निकलता है और उस लाइब्रेरियन पे अपने नाखूनों से हमला कर देता है। नाखून से हमला करने पे उस लाइब्रेरियन की मौत हो जाती है, लेकिन इस शैतान को अभी भी चैन नहीं मिला तो वो शैतान उस लाइब्रेरियन की दोनों आंखें भी निकाल लेता है। इस शैतान को अभी भी चैन नहीं मिला है और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर वो शैतान अपने नाखूनों से उस लाइब्रेरियन की गर्दन भी काट देता है। फिर वो शैतान उस लाइब्रेरियन को घसीटते हुए ले जाता है और एक कोने में डाल देता है। ये शैतान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने उस किताब का अपमान किया था, इसलिए शैतान का जन्म हुआ है। और ये शैतान
उस किताब के अपमान का बदला लेके रहेगा और गुल्ली और बुल्ली को जान से मार देगा। लाइब्रेरियन को मारने के बाद वो शैतान उस लाइब्रेरी से निकल जाता है और गुल्ली और बुल्ली के घर चला जाता है। गुल्ली और पुल्ली आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी मुसीबत उन्होंने मोल ले ली है। और वो शैतान गुल्ली और बुल्ली के घर आ जाता है और चुपके से उसका गेट खोलने की कोशिश करता है ताकि गुल्ली और बुल्ली को कुछ पता ना चले। तो क्या दोस्तों, ये शैतान गुल्ली और बुल्ली को जान से मार देगा या फिर गुल्ली और बुल्ली शैतान से लड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी गुल्ली बुल्ली की मज़ेदार कहानियाँ आपको मिलती रहे।